मैं समीश वाले लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। लेक्चर सीरीज में अपन ने अपना पहला सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है IC इंजन एंड गैस टरबाइन जो कि 14 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर में अपन ने IC इंजन के बारे में पढ़े, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे, उसके बाद में IC इंजन कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। तो उसके बाद में इसका जो कोर्स आउटकम है ये चैप्टर का हुआ है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ डीजल इंजन एंड गैस टरबाइन। तो आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में डीजल इंजन की वर्किंग, गैस टरबाइन की वर्किंग, उसमें कौन से फॉल्ट्स आते हैं, उसके बाद में उसको कैसे सुधार सकते हैं अपन, उसके बाद में पोल्यूशन कौन सा होता है डीजल इंजन से गैस टरबाइन करण से, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। देन टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है फॉल्ट्स इन IC इंजन। तो अपन देखने वाले जो अपन IC इंजन इसके पहले में जो पढ़ा है तो उसमें कौन से फॉल्ट्स आते हैं और वो जो फॉल्ट्स आते हैं वो फॉल्ट्स को अपन किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके आने के कारण क्या है और उसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो कॉजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है आज के वीडियो लेक्चर का। आज के वीडियो लेक्चर में अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू सजेस्ट द कॉजेज एंड देयर रेमेडियल मेजर्स इन IC इंजन। तो जो भी फॉल्ट्स आ रहा है IC इंजन के अंदर में वो किस कारण से आ रहा है और वो कारण को के ऊपर में क्या सॉल्यूशन रहेगा वो अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, जो भी फॉल्ट्स आते हैं IC इंजन के अंदर में वो किस कारण से आते हैं और उसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं वो फॉल्ट्स को, तो वो अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट PO एंड PSO मैपिंग। तो PO क्या होता है, PO इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम और PSO होता है अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो जो PO मैप हो रहा है आज के वीडियो से वो है PO1, दैट इज़ बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। देन PO4 दैट इज़ इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। PO1 हो रहा है, PO4 हो रहा है एंड PO6 दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड PO7 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये चार PO आज के अपने वीडियो से मैप हो रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉल्ट्स इन IC इंजन। तो IC इंजन जो है अपना जो इंजन है इसमें सबसे पहला फॉल्ट यहाँ पे दिखा हुआ दिख रहा है आपको, इंजन डज नॉट स्टार्ट। तो सबसे पहला अपना जो फॉल्ट है, इंजन अपनी जो गाड़ी है वो चालू नहीं हो रही है। तो वो चालू नहीं हो रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं वो अपने को कारण देखना है और वो कारण को अपने को सॉल्व करने के लिए उसके ये बताना है। तो अपन वन बाय वन देखते हैं कि इंजन चालू ना होने के, इंजन डज नॉट स्टार्ट, तो आपको ये कॉज दिया जाएगा कि इंजन डज नॉट स्टार्ट, बताओ फॉल्ट दिया अपने को, एक फॉल्ट दिया है कि इंजन अपने गाड़ी का इंजन चालू नहीं हो रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं आप सबको अभी सभी लोग गाड़ियाँ देखते हो, गाड़ियाँ सभी को पता है, तो गाड़ी अगर चालू नहीं हो रही होंगी तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ये वीडियो को पॉज करो और सोचो कि गाड़ी चालू ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आई थिंक सब ने सोच लिया होगा कि गाड़ी नहीं चालू होने के क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि चालू नहीं होने की क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, कॉजेस किस कारण से इंजन चालू नहीं हो रहा, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, रेमेडीज उसके आगे में। जैसा पहला कॉज है नो फ्यूल इन टैंक, मतलब जो अपनी गाड़ी है उसके अंदर में फ्यूल ही नहीं है, अगर अपने गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो पेट्रोल गाड़ी चालू होंगी कि नहीं होंगी। तो सबसे पहला फॉल्ट यहाँ पे दिया है नो फ्यूल इन टैंक, तो फ्यूल नहीं है गाड़ी के अंदर में, फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पेट्रोल भरना पड़ेगा। तो रेमेडियल मेजर क्या है, फिल टैंक विथ क्लीन फ्रेश फ्यूल, अपने को क्लीन और फ्रेश फ्यूल वो टैंक के अंदर में भरना पड़ेगा। देन नेक्स्ट दिया है शट ऑफ वॉल क्लोज्ड, जहाँ से जो अपना गाड़ी का जो इसमें जो वॉल दिया रहता है, जो पेट्रोल कॉक जो कॉक दिया रहता है, अगर वो कॉक अपना बंद है, उसको अपन ने ऑन पोजीशन पे या रिजर्व पोजीशन पे नहीं रखे, उसको अपन ने बंद पोजीशन के ऊपर में रखे, तो अगर बंद पोजीशन के ऊपर में रखेंगे तो जो अपना गाड़ी का टैंक है उसमें से जो भी पेट्रोल है वो इंजन के अंदर में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर इंजन के अंदर में वो पेट्रोल नहीं जाएगा तो इंजन चालू होगा ही नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो वॉल को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। देन ऑब्स्ट्रक्टेड फ्यूल लाइन, तो अभी वो जो आपने देखे होंगे टैंक से इंजन जाने के लिए एक पाइप लगा हुआ रहता है जिसको पेट्रोल पाइप बोला जाता है, तो वो पेट्रोल पाइप
अगर ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया, उसमें कुछ कचरा वगैरह आ गया है, तो भी अपना क्या होगा, वो उससे फ्यूल जाएगा नहीं, वो पाइप से फ्यूल जाएगा नहीं इंजन के अंदर में, और पाइप से फ्यूल इंजन के अंदर में गया नहीं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली अपना इंजन चालू नहीं होगा। तो अपने को अगर फ्यूल लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, ख़राब हो गई, तो क्या करना पड़ेगा कि क्लीन फ्यूल स्क्रीन एंड लाइन, जो भी जो अपना फ्यूल जो भी लाइन है, वो लाइन को अपने को क्या करना पड़ेगा, जो है उसको रिमूव करके वो पाइपलाइन को बराबर साफ करना पड़ेगा। इफ़ नेसेसरी रिमूव एंड क्लीन कार्बोरेटर। और अगर अपन ने पाइप जो साफ है, पाइप जो लगाया है जिससे पेट्रोल वगैरह जा रहा है, वो अगर पाइप साफ करने के बाद में भी अगर गाड़ी नहीं चालू हो रही, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गाड़ी में एक चीज़ लगी हुई रहती है जिसको बोला जाता है कार्बोरेटर, तो वो कार्बोरेटर को रिमूव करके उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो सर्विसिंग वगैरह में ये कार्बोरेटर वगैरह क्लीन किए जाते हैं। देन नेक्स्ट दिया हुआ है टैंक कैप वेंट और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो आप देखते होंगे कभी कभार आप धुपकाले के इसमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह सब रहता है, लाइन वगैरह सब चालू रहती है, पर गाड़ी चालू नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं कि जो टंकी का जो जिसमें फ्यूल भरी रहती है, तो टंकी का अपन वो जो ओपनिंग रहती है उसको खोलते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में बंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो टैंक है उसके अंदर में धूप के कारण से गैसेस पकड़ लेती है, तो वो गैसेस रिमूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वो टैंक को खोलना पड़ता है, इसलिए टैंक कैप वेंट ऑब्स्ट्रक्टेड। वो क्या हो जाती है, गैसेस पकड़ने के कारण से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, ओपन वेंट इन फ्यूल टैंक कैप, अपने को क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा खोल के फिर बंद करना पड़ता है, ये उसका हो गया रेमेडीज। देन वाटर इन फ्यूल, कभी कभार हो जाता है कि बारिश के दिनों में टैंक के अंदर में जहाँ पर पेट्रोल है, वो पेट्रोल के इसमें टैंक में वाटर चले जाता है, कभी कभार पानी मिक्स हो जाता है, तब भी अपनी इंजन क्या होता है, चालू नहीं होता है। तो अगर पानी मिक्स होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने को जो टैंक के अंदर में जितना भी फ्यूल है, वो फ्यूल को पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब ड्रेन करना पड़ेगा टैंक को। देन कार्बोरेटर जो है और फ्यूल लाइन, उसको भी पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोरेटर वो फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल है अपना, वो कार्बोरेटर में भी चले गया, और जो अपना फ्यूल लाइन है उसके अंदर में भी चले गया वो पानी, तो अपने को वो पूरा का पूरा निकाल के क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। देन ड्राई स्पार्क प्लग एंड पॉइंट, जो अपना स्पार्क प्लग गाड़ी के अंदर में लगा हुआ रहता है, उसको भी अपने को निकाल कर सुखाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर लास्टली करेंगे अपन फिल टैंक विद क्लीन फ्रेश फ्यूल, और ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर से अपने को फ्रेश फ्यूल उसमें क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो अगर वाटर चले गया तो ये सारे रेमेडीज़ करना पड़ेगा, मतलब टैंक को पहले खाली करना पड़ेगा, फिर कार्बोरेटर को क्लीन करो, फ्यूल लाइन को क्लीन करो, स्पार्क प्लग को सुखाओ, उसके बाद में नए से फ्यूल को भरो। तो ये सारी चीज़ें अपने को करना पड़ता है। देन इंजन ओवर चोक्ड, कभी कभार होता है कि जो अपने गाड़ी में चोक दिया और रहता है, वो अपन चालू कर देते हैं, और वो चालू करने के कारण से इंजन क्या हो जाता है, ओवर चोक्ड होता है। वो चोक का के लिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल है अपने गाड़ी में इंजन के अंदर में जाना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया कि इंजन कभी ओवर चोक्ड हो गया, ओवर चोक्ड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी गाड़ी के अंदर में जितना पेट्रोल चाहिए उससे ज़्यादा पेट्रोल चले जाता है, उससे ज़्यादा पेट्रोल क्या हो जाता है, चले जाता है, तब भी अपनी गाड़ी चालू नहीं होती। तो उस टाइम पर क्या करना पड़ता है, क्लोज फ्यूल शट ऑफ एंड पुल स्टार्टर अनटिल इंजन स्टार्ट। तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो पेट्रोल जहाँ से आ रहा है, जो पेट्रोल का अपना कॉक है, वो पेट्रोल के कॉक को बंद करना पड़ता है, और तब तक के गाड़ी को किक मारना पड़ता है जब तक के इंजन स्टार्ट नहीं होता है। अगर ओवर चोक्ड हो गया कभी कभार, तो अपने को क्या करना है कि जो गाड़ी का पेट्रोल का नॉब है, वो नॉब को अपने को बंद करना है, और उसके बाद में उसको फिर से गाड़ी को किक मारना है जब तक कि अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाती। और दूसरा क्या है, रीओपन फ्यूल शट ऑफ फॉर नॉर्मल फ्यूल फ्लो। और ये होने के बाद में एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद में अपने को क्या करना है कि जो अपन ने वॉल बंद किए थे पेट्रोल का, वो वॉल को फिर से ओपन कर लेना है, ताकि अपनी गाड़ी नॉर्मल फ्लो पे, फ्यूल फ्लो पे चल सके। अगर इंजन ओवर चोक्ड होता है तो ये चीज़ करना है कि सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी आपने चोक ज़्यादा दे दी है, तो उस टाइम पे क्या करना है, जो आपका पेट्रोल का नॉब है उसको बंद करना, पेट्रोल का नॉब को बंद करने के बाद में गाड़ी को किक मारते रहना जब तक कि वो चालू नहीं होती, और एक बार चालू होने के बाद में वॉल को फिर खोल देना, ताकि आपका प्रॉपर फ्यूल चलते रहे। देन इम्प्रॉपर कार्बोरेटर एडजस्टमेंट, कभी कभार होता है कि जो अपना कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का काम क्या है, जो भी एयर और फ्यूल है उसको मिक्स करना। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है काहे में, पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर क्या करता है, जो भी अपना बाहर का एयर है उसको लेके और टैंक में से जो फ्यूल आ रहा है उसको मिक्स करता है। तो अगर इम्प्रॉपर कार्बोरेटर अरेंजमेंट, ये कार्बोरेटर का जो एडजस्टमेंट है, अगर वो इम्प्रॉपर हो गया मतलब उसने कभी पेट्रोल ज़्यादा ले रहा, या फिर कभी एयर ज़्यादा ले रहा,
तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि अपना इंजन चालू नहीं होता है, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है कार्बोरेटर को, जो अपना कार्बोरेटर है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर इम्प्रॉपर कार्बोरेटर का एडजस्टमेंट रहेगा तब भी इंजन अपना चालू चलेगा नहीं। देन नेक्स्ट है लूज और डिफेक्टिव मैग्नेटो वायरिंग। ये मैग्नेटो वायरिंग मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटो यूज़ होता है ये सेल्फ स्टार्ट जो व्हीकल रहती है, गाड़ियाँ रहती है उसमें यूज़ होती है। अगर ये मैग्नेटो के कारण से, ये मैग्नेट के कारण से ही अपना सेल्फ स्टार्ट का जो सिस्टम है वो काम करता है, और अगर ये मैग्नेटो की वायरिंग ढीली है या फिर डिफेक्टिव है, ख़राब हो गई या ढीली है, तो अपना जो है अपना सेल्फ जो है वो काम नहीं करेगा, और अगर सेल्फ से अपन गाड़ी चालू करने को देख रहे हैं तो गाड़ी भी चालू नहीं होंगी। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक मैग्नेटिक वायरिंग फॉर शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड। अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो भी मैग्नेटिक की वायरिंग है वो बराबर है कि नहीं है, और उसको चेक करना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हो गया, और अगर ख़राब हो गया तो उसको फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। दैन कभी कभार होता है कि ये जो मैग्नेटिव मैग्नेटो उसकी वायरिंग नहीं, पूरा का पूरा मैग्नेटो ही ख़राब हो जाता है, पूरा का पूरा मैग्नेटो ही क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है उसका टाइमिंग पॉइंट क्या वगैरह, उसके बाद में और ओवरऑल करना पड़ता है मैग्नेटो को। फिर उसके बाद में स्पार्क प्लग फॉल्ट, जो अपन ने स्पार्क प्लग है जिससे स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो ख़राब हो गया, स्पार्क प्लग क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉल्ट मतलब वो जो स्पार्क प्लग के बीच में की जो गैप रहती है, इलेक्ट्रोड वो ऊपर वाला जो आपने स्पार्क प्लग देखे होंगे तो इलेक्ट्रोड रहता है और उसके ऊपर में एक प्लेट लगी रहती है, तो अगर वो प्लेट का भी डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तब भी अपना क्या हो जाता है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता, स्पार्क बराबर प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो स्पार्क प्लग अगर फॉल्ट हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा उसको, कचरा वगैरह आ गया स्पार्क प्लग में तो साफ़ करना पड़ेगा, और उसकी जो गैप है उसको फिर से रीगैप एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर कभी कभार होता है स्पार्क प्लग प्रोक्लीन क्रैक, जो वाइट कलर का रहता है, जो मटेरियल रहता है स्पार्क प्लग का प्रोक्लीन मटेरियल से बना रहता है, अगर वो क्रैक्ड हो गया मतलब अपना स्पार्क प्लग क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ता है स्पार्क प्लग को। उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है पूरे के पूरे स्पार्क प्लग को, रिप्लेस करना पड़ता है। दैन पुअर कॉम्प्रेशन, कभी कभार जो अपना एयर फ्यूल मिक्सर है वो बराबर कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक बराबर नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे अपने को करना पड़ता है ओवरऑल इंजन मतलब इंजन को खोलकर फिर से उसकी ओवरऑलिंग बराबर करना पड़ता है ताकि उसमें कॉम्प्रेशन बराबर बने। जब तक ये कॉम्प्रेशन बराबर नहीं बनेगा तब तक के इंजन चालू नहीं होगा, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रेशन बराबर बनाने के लिए इंजन को ये करें। नो स्पार्क एट प्लग, जो अपना स्पार्क प्लग है उसमें स्पार्क ही नहीं आ रहा, स्पार्क प्लग की गैप बराबर है, उसके बाद में उसमें क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसका उस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है, डिसकनेक्ट इग्निशन कट ऑफ वायर एट द इंजन। अपने को वो जो इग्निशन कॉइल है उसको फिर से कट ऑफ करके फिर से उसको रीएडजस्ट करके लगाना पड़ता है। और लास्टली अगर क्रैंक इंजन, जो इंजन का क्रैंक है अगर वही ख़राब हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्रैंक पे इस स्पार्क एट प्लग प्लग इग्निशन स्विच चेक करो, सेफ्टी स्विच सारी चीज़ें चेक करो, और अगर नहीं ये इससे इफ नो स्पार्क चेक मैग्नेटो, अगर फिर से स्पार्क नहीं आ रहा तो मैग्नेटो को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉजेज़ है, 14 कॉजेज़ यहाँ पे दिए हुए इंजन चालू नहीं होने के, इंजन अगर चालू नहीं हो रहा, अपने गाड़ी का इंजन चालू नहीं हो रहा तो ये 14 कारणों से हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, पर ये 14 मेन कारण है कोई भी गाड़ी में ना चालू होने के, ये 14 मेन कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, पर ये चीज़ 14 कारण दिए, ये सबसे मेन कारण दिए इंजन चालू नहीं होने के, और इसको और ये कारण को सुधारने के लिए यहाँ पर उसके आगे में रेमिडियल मेजर्स दिए हुए हैं। क्लियर है? तो ये सबसे पहला फॉल्ट था अपन ने देखे, इंजन में सबसे पहला फॉल्ट आता है क्या, इंजन अगर चालू नहीं हो रहा है तो वो अपन ने फॉल्ट देखे। नेक्स्ट है स्मोकी एग्जॉस्ट ऑफ डीजल इंजन, स्मोकी एग्जॉस्ट आ रहा है, जो अपना डीजल इंजन है उसमें से जो साइलेंसर है उसमें से स्मोक निकल रहा है। कभी कभार आपने देखे होंगे कि गाड़ी जो रहती है आपकी उस वो काला धुआं मारती है, वो काला धुआं इज नथिंग बट होता है अपना स्मोकी एग्जॉस्ट, जो अपनी गाड़ियां है उसमें से क्या आता है, काला धुआं निकलता है, तो वो काले धुएं को भी बोला जाता है क्या, स्मोकी एग्जॉस्ट। तो ये काला धुआं क्यों आता है, उसके कारण देखते हैं और उसको कैसे अपन सुधार सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंजन इज बर्निंग ऑयल, तो इंजन के अंदर में जो अपन ल्यूब्रिकेशन के लिए आपने देखे होंगे कि इंजन के अपन अंदर में अपन ऑयल डालते हैं, इंजन के अंदर में अपन क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। अपन बोलते हैं ना कि ऑयल चेंज करना चाहिए हर 2000 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर पे, अगर अपन ने वो चेंज नहीं किए तो इंजन क्या करता है, वो ऑयल को बर्न करना चालू करता है, इंजन क्या करता है, वो ऑयल को बर्न करना चालू होता है। और अगर इंजन के अंदर में ऑयल बर्न होना चालू हो गया
तो गाड़ी काला धुआं मारती है, गाड़ी में से काला धुआं निकलता है साइलेंसर में से। अगर इंजन के अंदर का ऑयल जलना चालू हो गया तो गाड़ी में से ब्लैक कलर का स्मोक निकलना चालू हो जाता है। तो इस टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज दी ऑयल ग्रेड, अपने को जो इंजन को ऑयल है उसको चेंज करना पड़ेगा। का इंजन का ऑयल कब जलना चालू हो जाता है, कि जब इंजन में का ऑयल अपन ने बहुत दिन से चेंज ही नहीं करे, बहुत दिन से अपन ने ऑयल वही ऑयल चेंज कर चला रहे, गाड़ी वैसी चला रहे, अपन ऑयल चेंज नहीं कर रहे। तो अगर ऑयल चेंज नहीं कर रहे तो इंजन के अंदर का ऑयल क्या हो जाएगा, जलना चालू होगा, और इसलिए वो गाड़ी में से क्या निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। अगर वो नहीं होना चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंजन का जो ऑयल है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में वॉर्न और ब्रोकन पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग जो लगी हुई रहती है पिस्टन के ऊपर में, पिस्टन रिंग एक लगी हुई रहती है, दो टाइप के पिस्टन रिंग होती है, एक ऊपर साइड में लगी हुई रहती है पिस्टन के ऊपर साइड में, उसको कॉम्प्रेशन रिंग बोलते हैं, और नीचे साइड में जो रहती है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं, नीचे साइड में जो रहती है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं। तो पिस्टन के ऊपर में दो टाइप की रिंग रहती है, ऊपर साइड में एक रहती है उसको कॉम्प्रेशन रिंग बोलते हैं, नीचे साइड में जो एक रहती है उसको बोलते ऑयल रिंग। तो वो ऑयल रिंग इसलिए दिया जाता है ताकि जो इंजन में का जो ऑयल है, जो अपन ने इंजन में ऑयल डाले हो, वो ऑयल ऊपर में जो अपना कंबशन चेंबर रहता है, जो मैंने बताया ना जहाँ पे अपना एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है उसको कंबशन चेंबर बोलते हैं, तो वो नीचे वाला पिस्टन रिंग ऑयल रिंग इसलिए प्रोड्यू दिया जाता है ताकि वो ऑयल जो है वो कंबशन चेंबर में ना, क्योंकि अगर कंबशन चेंबर में ऑयल आ गया तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इंजन में ऊपर में कंबशन चेंबर में ऑयल आ गया तो ऑयल जलेगा, और ऑयल जलेगा तो काला धुआं निकलेगा गाड़ी में से। और ये कब होता है, काला धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि ये जो पिस्टन रिंग है, जो ऑयल रिंग है, अगर वो खराब हो गई, टूट गई या खराब हो गई, घिस गई या खराब हो गई, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो जो ऑयल को नीचे में रोक रहा था कंबशन चेंबर में जाने के लिए, जो नीचे में रोक रहा था वो नीचे ना रोक के वो ऊपर में आएगा, तो इस टाइम पे अपना क्या हो जाएगा, ऑयल जलना चालू होगा। तो उस लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पिस्टन रिंग को अपने को चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वॉल गाइड और वॉल गाइड सील, जो अपने वॉल लगे हुए इनलेट वॉल वगैरह, वो कभी कभार क्या हो जाते, वो भी घिस जाते या फिर उसकी जो सील है वो घिस जाती है, तो उस कारण से भी अपना क्या हो जाता, गाड़ी में का ऑयल जो है वो इसमें आ जाता है ऊपर में कंबशन चेंबर में, और उसके कारण से वो धुआं निकलना चालू होता है। तो अपने को वो जो क्या चेंज करना पड़ता है, वॉल गाइड और सील को। लीकिंग हेड गैसकेट, जो अपना इंजन का ऊपर वाला जो सिलेंडर के ऊपर में जो कवर रहता है उसको सिलेंडर हेड बोलते हैं, और वो सिलेंडर हेड का क्या हो गया, अगर गैसकेट लीक हो गया, अगर उसका गैसकेट लीक हो गया तब भी अपने गाड़ी में से काला धुआं निकलता है, तो उसको अपने को क्या करना पड़ता है, वो हेड गैसकेट चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्रोकन और क्रैक इंजन हेड, जो इंजन का जो हेड है अगर वही ब्रोक्ड हो गया या क्रैक्ड हो गया तो उसको भी अपने को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है। एयर फ्यूल मिक्सचर इज टू रिच, अगर एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, रिच हो गया, तब भी अपना क्या होगा कि धुआं निकलेगा, तो अपने को एयर फ्यूल मिक्सचर रिच ज़्यादा हो गया तो उसके लिए अपने को उसको कम मात्रा में अपने को पेट्रोल सप्लाई करना पड़ेगा। देन लीकी फ्यूल इंजेक्टर, ये डीजल इंजन में यूज़ होता है फ्यूल इंजेक्टर, अगर जो अपना फ्यूल इंजेक्टर है उसमें लीक है, अगर लीक है तो जाहिर सी बात है वो जो फ्यूल है डीजल है वो ज़्यादा अमाउंट में अपने कंबशन चेंबर में जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में कंबशन चेंबर में फ्यूल गया तो वो ज़्यादा जलेगा, उसके कारण से अपना क्या होगा, एग्जॉस्ट भी ज़्यादा निकलेगा, इसलिए काला धुआं मारेगा। तो ये कुछ कॉजेज है अपने गाड़ी में से काला धुआं निकलने के, क्लियर है। देन नेक्स्ट अपना हाई फ्यूल कंजप्शन इन आईसी इंजन, कभी कभार होती है कि जो अपनी गाड़ी है वो जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल वगैरह कंज्यूम करती है, हाई फ्यूल कंजम्पशन करती है, कभी कभार होता है, तो वो क्यों होता है, फ्यूल कंजम्पशन क्यों ज़्यादा कर रही है अपनी गाड़ी, उसके अपन कॉजेज और उसके रेमिडीज देखते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर पेट्रोल खा रही है, पेट्रोल कंजप्शन कर रही है तो क्यों कर रही है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला तो फॉल्टी इंजन, जो अपना इंजन है अगर वो ख़राब हो गया, मतलब उसकी इफ़िशेंसी कम हो गई, उसमें अंदर के जो पार्ट्स है अगर वो घिस गए, पिस्टन घिस गया या फिर पिस्टन घिस गया या फिर उसके अंदर का जो सीलिंग है वो घिस गया, या फिर कुछ ऑयल नहीं है बराबर उसके अंदर में, या फिर वॉल्व बराबर नहीं है, या फिर कार्बोरेटर काम नहीं कर रहा बराबर, या फिर स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा, मतलब इंजन के अंदर में जो भी फॉल्ट आता है उसके कारण से क्या होता है कि जो अपना फ्यूल कंजप्शन है आईसी इंजन का वो बढ़ जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को सर्विसिंग कराना पड़ता है। तो सर्विसिंग में क्या करता है, वो एडजस्ट करता है कार्बोरेटर को, एडजस्ट करता है, चेक करता है कार्बोरेटर को, साफ करता, कचरा वगैरह रहता है तो उसको साफ करता, उसको एडजस्ट करता है बराबर, रिप्लेस करता वन आउट स्पार्क प्लग, जो अपना स्पार्क प्लग है वो ख़राब हो गया है तो उसको रिप्लेस करेगा, एयर क्लीन करता है, एयर क्लीनर करता है, जहाँ से एयर आती है अंदर
उसको क्लीन करता है, मेंटेनेंस ऑफ थ्रोटल और ऑक्सीजन सेंटर, ये सारी चीज़ें उसको मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट होता है कभी कभार पुअर इंजन ऑयल। मैंने बताया कि इंजन ऑयल जो चाहिए वो इंजन ऑयल नहीं डाल रहा, अपन ने सस्ता वाला इंजन ऑयल डाल दिए। अपन ने इंजन के अंदर में क्या किए, जो इंजन ऑयल वो गाड़ी के लिए जो इंजन ऑयल चाहिए वो वाला इंजन ऑयल ने डाल के अपन ने सस्ता वाला डाल दिए, तब भी क्या होगा, वो इंजन ऑयल बराबर काम नहीं करेगा। अगर जितनी हीट उसको रिमूव करना है, अगर वो उतनी हीट रिमूव नहीं करेगा तब भी वो फ्यूल कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इंजन ऑयल। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, जो अपन ने पेट्रोल वगैरह जो डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कभी कभार होता है कि पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं कि पेट्रोल में कुछ और दूसरा फ्यूल भी मिक्स कर देते हैं, तो उसके कारण से वो पेट्रोल की क्वालिटी क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो और अगर वो पेट्रोल की क्वालिटी कम है तब भी अपना फ्यूल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा गाड़ी में, तो अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा वो फ्यूल को अच्छे से। या फिर कभी कभार जो अपनी गाड़ी है उसके टायर घिस जाते हैं, अगर टायर घिसेंगे तो गाड़ी अपनी जो स्पीड में जो इफ़िशेंसी से चलना चाहिए वो इफ़िशेंसी से चलती नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, वो उस टाइम पे अगर टायर ख़राब हो गए तो अपने को गाड़ी के टायर भी रिप्लेस करना है। अगर अपने टायर रिप्लेस नहीं करें तो फ्यूल भी ज़्यादा कंजम्पशन करती है गाड़ी। वॉर्न आउट गियर्स, जो अपना गियर है वो गियर अगर ख़राब हो गए, अगर गियर ख़राब हो गए तो गाड़ी बराबर काम नहीं करेगी, इसलिए तो अपने को वो क्या करना पड़ता है, चेंज ड्राइविंग से। और गियर क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो गियर में गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, चढ़ाई के ऊपर में कम गियर के ऊपर में गाड़ी चलना चाहिए, तब भी अपन पांचवे गियर के ऊपर में गाड़ी चला रहे तो गियर के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोड आया तो अपना गियर क्या हो जाता है, ख़राब होता है। तो ये किसके कारण से होता है, ड्राइविंग स्टाइल, जो अपनी चलाने की ड्राइविंग स्टाइल है उसके कारण से वो ख़राब होता है। तो अपने को ड्राइविंग स्टाइल भी क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और अगर गियर ख़राब हो गया तो अपने को गियर तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद में पुअर मेंटेनेंस, पुअर मेंटेनेंस मतलब अपन गाड़ी को कभी मेंटेनेंस के लिए डाल ही नहीं रहे, सर्विसिंग के लिए डाल ही नहीं रहे, सिर्फ चलाए जा रहे, उसको ना मेंटेन कर रहे ना उसके अंदर का ऑयल चेंज कर रहे, तब भी अपना फ्यूल क्या होता है, हाई कंजम्पशन होता है। तो इस टाइम के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, डू टाइमली मेंटेनेंस, अपने को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए काई का फ्यूल अपने गाड़ी का। क्लियर है, तो ये कुछ कॉजेस है अपने हाई फ्यूल कंजप्शन के आईसी इंजन के अंदर में। क्लियर है। नेक्स्ट है ओवर हीटिंग ऑफ आईसी इंजन। कभी कभार होता है कि अपना जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ओवर हीट हो जाता है इंजन, अपना आईसी इंजन जो है अपना इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो वो किस कारण से होता है बहुत ज़्यादा गर्म, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहला लीक इन कूलिंग सिस्टम, जो अपना कूलिंग सिस्टम है जो इंजन को ठंडा करने के लिए जो सिस्टम है, वो सिस्टम में अगर लीकेज आ गई है, अगर अपन ट्रक्स वगैरह कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ रहता है, रेडिएटर वगैरह लगा हुआ रहता है, वाटर कूल वगैरह सिस्टम लगा हुआ रहता है, तो अगर उसमें लीकेज आ गया, वो रेडिएटर का फैन काम नहीं कर रहा, या फिर वो जो वाटर जहाँ से सर्कुलेट कर रहे हैं अपन इंजन के सराउंडिंग में, वो वाटर सर्कुलेट वाले पाइप अगर लीकेज हो गए तब भी अपना इंजन क्या हो जाएगा, उसके अंदर से ये कूलिंग सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम काम ना करने के कारण से वो इंजन में की हीट निकालेगा ही नहीं बाहर, और इंजन में की हीट बाहर नहीं निकलेंगे तो जाहिर सी बात है अपना इंजन क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डू द मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने को कूलिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कूलेंट कॉन्सेंट्रेशन, कभी कभार जो अपन कूलेंट डाल रहे हैं, जो बहुत सारे गाड़ियों में कूलेंट वगैरह डालना पड़ता है इंजन को कूल करने के लिए, अगर वो इंजन का कूलेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर नहीं है तब भी अपनी गाड़ी में की जो हीट है वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा नहीं बराबर, और अगर हीट बाहर नहीं निकालेगा तो जाहिर सी बात है इंजन ओवर हीट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करेक्ट टाइप ऑफ कूलेंट, जो टाइप का कूलेंट उसमें चाहिए वही टाइप का अपने को कूलेंट डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बैड थर्मोस्टेट, जो अपने को इंजन के अंदर में का टेम्परेचर बताता है कि बराबर कितना टेम्परेचर है इंजन के अंदर में, अगर वही ख़राब हो गया है तो जाहिर सी बात है बराबर अपने को टेम्परेचर नहीं बताएगा वो सेंसर, तो वो कूलिंग सिस्टम बराबर काम नहीं करेगा, तो अपना इंजन ओवर हीट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो थर्मोस्टेट का जो सेंसर है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बैड रेडिएटर, अभी बताया मैंने, रेडिएटर अगर ख़राब हो गया है, उसका फिन्स वगैरह ख़राब हो गई है, तब भी ओवर हीटिंग होगा क्योंकि वो कूल नहीं कर पाएगा, तो अपने को रेडिएटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये भी बताया मैंने, रेडिएटर का फ़ैन अगर काम नहीं कर रहा है तो फ़ैन को रिप्लेस करना पड़ेगा। लूज़ वाटर पम्प अपलिक फ़ैन बेल्ट, जो अपना वाटर पंप है जो वाटर कूलिंग सिस्टम में यूज़ होता है, वो पूरा पानी को सर्कुलेट करने के लिए जो यूज़ होता है उसको वाटर पंप लगता है, अगर वो लूज़ है वो बराबर काम नहीं कर रहा है, या फिर फ़ैन को चलाने के लिए जो रेडिएटर का फ़ैन है उसको चलाने के लिए अपने को
जो बेल्ट ड्राइव रहता है अगर वो लूज़ हो गया है तब भी अपना क्या होगा, बराबर इफिशेंसी से वो फ़ैन अगर काम नहीं करेगा तो इंजन ओवर हीट होगा, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है वो बेल्ट को। देन बैड वाटर पंप, अगर वाटर पंप ही ख़राब है, जो पानी जो सप्लाई करने का, जो पानी सप्लाई करने का वो अगर पंप ही ख़राब है तो जाहिर सी बात है पानी सप्लाई नहीं होगा तो इंजन में से हीट निकलेंगी नहीं, हीट निकलेंगी नहीं तो इंजन ओवर हीट होगा, तो अपने को क्या करना है उस टाइम पे रिप्लेस करना है वाटर पंप को, जो अपना वाटर पंप है उसको रिप्लेस करना है। तो ये कुछ कॉजेस है इंजन ओवर हीटिंग के, तो क्लियर है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या क्या पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर क्या था कि अपन ने देखे कि इंजन में कुछ फॉल्ट्स जो है वो फॉल्ट्स के कॉजेस क्या है, वो फॉल्ट किस कारण से आते हैं और वो कॉजेस को अपने को रिमूव करने के लिए अपन ने उसके ऊपर के सॉल्यूशंस देखे। तो ये आज के वीडियो में अपन ने ये चीज़ देखे है। देन पीओ एंड पीएसओ मैपिंग, तो आज के वीडियो में कौन सा पीओ मैप हो रहा है, तो सबसे पहला पीओ पीओ वन मैप हो रहा था, बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। पीओ फोर दैट इज इंजीनियरिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस, और पीओ सिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और पीओ सेवन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये पीओस आज की वीडियो में अपने मैप्ड हो रहे हैं, क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। तो अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बचे हुए जो आईसी इंजन के फॉल्ट है, अपन ने आज पार्ट ए देख लिया, फॉल्ट कुछ फॉल्ट देखे अपन ने आईसी इंजन के, उसके सोल्यूशन देखे। अगले वीडियो में भी अपन कुछ फॉल्ट देखने वाले आईसी इंजन के अंदर में, कुछ जो फॉल्ट आते हैं वो फॉल्ट, उसके कॉजेस और उसके रेमेडीज अपन आगे वाले वीडियो में देखने वाले। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।